बहुत एसेंशियल था कि हैदर शाहिद की तरह नहीं डांस करे. बहुत इंपॉर्टेंट था कि हैदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस भी करना है और डांस भी करना है तो उसको अपने तरीके से करना है. तो एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं सुदेश, जिन्होंने विशाल सर के साथ एक ऑपेरा किया है, वो नॉर्वे से हैं. और विशाल सर ने जब ये गाना कंपोज किया तो उनके माइंड में बहुत क्लियर था उसी वक्त से कि वो चाहते थे कि सुदेश इस गाने को कोरियोग्राफ करें, बिकॉज उनका डांस स्टाइल बहुत अलग है और उनका डांस स्टाइल जो है कोरियोग्राफी से ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन है. और ये गाना ऐसी सिचुएशन में आता है जब हैदर बहुत इमोशनली अपसेट है, तो गाने का इमोशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. सिर्फ स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं था, उसकी जो एंग्स्ट है, जो फीलिंग है, जो उसके अंदर जो गुस्सा है, वो किस तरह से कोरियोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेट होगा. वेल, मैं खुद को लकी मानती हूँ कि विशाल सर की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं. एक तो ये पता नहीं लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे विशाल सर ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी. तो अभी भी मतलब जब मैं उठती तो मुझे यकीन नहीं होता. मैं खुद को रोज़ कहती हूँ कि तुम बहुत लकी हो और इसको हमेशा चेरिश करती रहो. बट और ये पहली बार एक्चुअली मैं एक इंटेंस रोल भी प्ले कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत एक्साइटेड हूँ. अर्शिया का जो कैरेक्टर है वो उसकी भी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है और ज़्यादा इंटेंस कैरेक्टर है, तो उससे भी मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम पीपल विल बी सीइंग मी इन समथिंग लाइक दिस. असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि एक्सटीरियर भी मतलब जो लुक भी है वो इतना अलग है, कैरेक्टर भी इतना अलग है, तो खुद को देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अर्लियर. तो आई होप कि पीपल लाइक दैट. या एक तो सबसे बात यह है कि फिल्म कश्मीर में प्लेस्ड है और इसमें कश्मीरी फोक भी है, पर उन फोक म्यूज़िक के मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी हैं. द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी एल्बम होगी जिसमें 10 गाने होंगे. इसमें मैंने गाने जैसे फिल्म में हैं वैसे भी रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको कैसे मैं अगर नॉन फिल्म देखना चाहूँ तो मैं कैसे उससे उन्हें इंटरप्रेट करता वैसे भी किया है. फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है गुलों में रंग भरे जो मेहंदी साहब ने गाई है, वो भी है. तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स हैं इसमें म्यूज़िकली जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतने सारे गाने फाइनली इसमें आके हो गए, 10 गाने एक एल्बम में, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है और वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समथिंग लाइक दैट नीडेड टू बी डन. और मैं इतना क्लियरली कहूँगा कि ये किसी भी सिर्फ इफेक्ट के लिए ये लुक नहीं अचीव की गई है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर. और जब आप फिल्म देखेंगे, एक्चुअली एक ही सीन है फिल्म के अंदर और वो हमने 4-5 घंटे में शूट किया. जो भी हटना है प्लीज़ हट जाओ.